हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। साला वो पिंटू और मिस्टर बंसल, मेरा तो मन कर रहा था इस पूरी मूवी के दौरान कि गन लेके साले उनको ही उड़ा दूँ। और वो दोनों ऐसे हरामी कैरेक्टर हैं, सही बता रहा हूँ, आप लोगों का भी खून जल जाएगा जब आप लोग ये मूवी देखोगे। खैर, हम लोग बात करेंगे शेरनी, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ हुई है। मूवी की ओवरऑल है 2 घंटे 10 मिनट की, और कहानी फोकस करती है एक ऐसी टाइग्रेस पे जो ह्यूमंस पर अटैक कर रही है। वो ह्यूमंस पर अटैक क्यों कर रही है और फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा इस वीडियो के दौरान कि वो दिन दूर नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो यंगर जनरेशन है, वो लोग वाइल्ड लाइफ को या तो टेलीविजन्स पर देखेंगे या तो फिर सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम्स में देखेंगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेफ होगी या नहीं होगी। मूवी में आपको पॉलिटिक्स और काफ़ी सोशल मैसेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस तरह की मूवीज़ को स्पेशली स्कूल्स में बताना चाहिए, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकें, क्योंकि हम लोग तो मुझे पता है कि सीखने से रहे। खैर, उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, चाहे वो DFO का कैरेक्टर यानी कि जो विद्या बालन ने प्ले किया एज ए विद्या विंसेंट, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरी मूवी में लिखा है। उसके अलावा हसन नूरानी, पिंटो, मिस्टर बंसल, नांगी यानी कि हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक वे में लिखा है। यानी कि इस तरह के कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि हाँ यार, वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, जो एक थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले है, मज़ा आ जाता है यार। और स्पेशली पहला सीन है जो ड्रोन का शॉट है, जहाँ पर वो पूरा फॉरेस्ट बताया, वहीं पर मैं समझ गया कि यार बहुत ही गजब के विजुअल्स देखने को मिलेंगे। और ऐसा होता है, अगर अभी हम लोग उस फॉरेस्ट में चले जाओ यार, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। और ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रियल एनिमल्स का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरी मूवी में CGI का यूज़ हुआ है। और ऑल दो यहाँ पर इतने जो टाइगर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसे टाइगर्स के सीन से नहीं है, लेकिन जितने भी है मेरे हिसाब से ठीक ठाक CGI ही किया गया है। BGM ओके है, ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, एक ही सॉन्ग है जो कि बहुत ही सूटेबल है इस पूरी मूवी में। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार विद्या बालन हमेशा कमाल का परफॉर्मेंस करती है यार, और इस मूवी में भी जिस तरह से उनको काम करना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से किया है। ओवर एक्टिंग नहीं की है, एकदम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस किया है। विजय राज सर की बात करूँ, सरे सक्सेना की बात करूँ, ब्रिजेंद्र काले की बात करें, और नीरज का भी, सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही फाड़ू निभाया यार, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो चाहे वो नेगेटिव रोल हो मूवी की। लेकिन सबसे मेन जाने वो इसकी कहानी, एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन। डायरेक्टर को सैल्यूट करूँगा, हेड्स ऑफ यार, इस तरह की मूवीज़ की ज़रूरत है हमारे इंडिया में, स्पेशली यंगर ऑडियंस को यार। ऐसी मूवी जहाँ पर कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, और शायद हम जैसे लोगों की जो आंखें बंद है वो आंखें खुल जाए भाई। पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यार ये मूवी आप अपने घर पे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। एफर्ट किया है डायरेक्टर ने कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, और स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं पर्सनली बोर नहीं हुआ, एंटरटेन हुआ। ऑल दो इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स है जो आपको बोर कर सकते हैं, और शायद ये मूवी की लेंथ अगर 1 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे की होती, यानी कि 10-15 मिनट इस मूवी के एडिट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।